ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेंट आर सेटी द्वारा ग्रामीण युवतियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। संस्था द्वारा यह शिविर पिछले एक सप्ताह से लगाया गया था। शिविर के दौरान महिलाओं व युवतियों को ज्वेलरी बनाना सिखाया गया। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे इस शिविर में दूर दराज से ग्रामीण महिलाएं व युवतियाँ आई थी, जिन्होंने इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया। इस शिविर के समापन पर संस्था द्वारा महिलाओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। बताया गया है कि इस शिविर से उन्हें जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, उससे उन्हें रोजगार में सहायता मिलेगी। महिलाएं अपने गांव जाकर अन्य महिलाओं को इस रोजगार के लिए प्रेरित कर सकती हैं। केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ एक स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ज्वेलरी का प्रशिक्षण कार्यक्रम कुंडम ब्लॉक की 52 महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा आयोजित किया गया। आज समापन अवसर पर सभी सदस्यों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण देने के बाद प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस कार्य में हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री सिद्धार्थ सिंह, श्री संजय सिन्हा अग्रणी बैंक प्रबंधक, श्वेता महतो DPM मैडम का विशेष सराहनीय सहयोग रहा। सभी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मेकिंग विषय पर यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया एवं आज इसका यहाँ पे समापन हुआ। सभी प्रशिक्षणार्थी सफल घोषित किए गए। हमने यहाँ पे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उद्यमी का प्रशिक्षण सीखा। हम लोग आगे जाके यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहर हम लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं हैं इधर पर, खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सर लोग भी बहुत अच्छे हैं। ज्वेलरी उद्यमी का प्रशिक्षण लिया है, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम यहाँ आए, अपना खुद का रोजगार प्राप्त करेंगे। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ जैसे कोई बीमार भी होता है तो सर लोग बहुत ख्याल रखते हैं, टैबलेट उपलब्ध कराते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ, ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर से दूर आए हैं। बहुत अच्छा लगा, अपनापन लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज हमारा समापन है, अच्छा नहीं लग रहा जाते हुए, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। और कुछ महिलाओं को, लड़कियों को हम उत्प्रेरित करेंगे कि हमारे साथ ये काम करो, आपको रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।